जय एम बी मोबाइल रिपेयरिंग में आपका स्वागत है। आज आया है ओप्पो का A55, A55 ओके। ऑलरेडी इसमें जंपर वंपर मारे थे और ये बंदे ने नया बेल्ट है, चार्जिंग का इश्यूज़ है, चार्जिंग का प्रॉब्लम सॉल्यूशन करना है। इसमें कुछ रिपेयर करने ऐसा होता नहीं, अगर बेल्ट नहीं कटा है तो चार्जिंग सॉकेट रिमूव हो जाता है। लेकिन हम ऊपर से पहले लगा के देख लेते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सही सॉल्व होता है नहीं होता है। डिस्प्ले का कनेक्टर लगाना पड़ेगा, डिस्प्ले का कनेक्टर आराम से लगाना होगा। डिस्प्ले का कनेक्टर लगाने के बाद ही पता चलेगा चार्जिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। आराम से लगाना होगा, क्रॉस करके लगाना होता है, तो जब तक खाँचे में ना बैठे तब तक दबाया नहीं जाता है। अब हाथ में पकड़ना होता है सॉकेट, फिर उसमें डालना होता है कनेक्टर। हिलाना नहीं है, सीधा डालना है, सीधा निकालना है। एक दोनों हाथ से पकड़ना है, अब इसको सीधा करना है, सीधा करके देखना शॉर्ट होगा। उल्टा करो, आराम से देखो चार्ज हो रहा है। बैटरी का वोल्टेज चेक किया था, बैटरी का कनेक्टर लगा ही नहीं, कहाँ से चार्ज होगा। ओके, गरम गरम हो रहा है, देख लेना एक बार कनेक्टर सही से लगा है वो देखना, चार्ज हो रही है नहीं हो रही। बैटरी का वोल्टेज चेक किया पहले, नहीं किया। सीधा करो उसको, देखो कोई रिस्पांस है, इधर दिखाओ। हाँ, ऐसा कोई रिस्पांस है। दो मिनट रुको, उसे हो सकता हो बैटरी ज़्यादा लो हो गई हो इसलिए प्रॉब्लम आ रही हो। एक बार बैटरी का वोल्टेज चेक करो कितना है। ये सब के पहले बैटरी का वोल्टेज चेक करना होता है, तभी समझ में आएगा बैटरी कनेक्टर लगा या नहीं लगा है। बैटरी का वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, वोल्टेज पे रख के, जैसे कि ये देखो आपको समझाया गया था कि मीटर कैसे यूज़ करना है। ये वोल्टेज पे रखा है, 3.7 है, इसका मतलब मोबाइल ऑन हो जाएगा। तो बैटरी का कनेक्टर लगा के मोबाइल चालू करो पहले। मोबाइल चालू दिया है, बंद दिया है, चेक नहीं किया। चालू था फ़ोन, चालू करो उसको। उन्हें बेल्ट नहीं था, कस्टमर ने दिया था बेल्ट था। कि आप लोग देख रहे हो, ये बंदा बैटरी को ओपन किया, नीचे का बेल्ट निकाल रहा है, हमने ऊपर से चेक कर लिया बेल्ट सही है। और कस्टमर का कहना है ऑन ऑफ बेल्ट पूरा जल चुका है, आप खाली हमें चालू करके दे दीजिए। तो जैसे कि हमको जानकारी है कि बैटरी के नीचे दो पॉइंट ऐसे आते हैं, उसको डायरेक्ट करने से मोबाइल चालू हो जाएगा। यानी कि जब भी बैटरी कस्टमर की लो होगी तब इसको खोलना ही पड़ेगा या तो फिर चार्ज में लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट करके देंगे तो दिक्कत वाला काम है। यानी कस्टमर दोबारा आने अपने पास आएगा अगर वो ऑन ऑफ का काम अगर नहीं करवाता है तो। ओके, ये हम नया बेल्ट है जो इंस्टॉल करने जा रहे हैं, उसके लिए पहले जूना वाला जो बेल्ट होता है उसको रिमूव करना होता है। ये बंदा देखो आराम से धीरे धीरे काम कर रहा है, बेल्ट कट चुका है और इसको ऐसे नहीं निकालते हैं, इसको ऐसे उठाते हैं, यहाँ से काट देते हैं और उठा लो, ऐसे भी खराबी तो है, खींच लो बस। खाली डिस्प्ले में इफेक्ट ना आवे इतना ध्यान दो। ये एंटीना नेटवर्क है, इसको भी ले लो, ये काम आएगा। बस निकाल लिया, साफ सफाई अच्छे से कर दो जैसे कि ये लग जाए। और इसका बैक जैसे कि आप देख चाहते हो कि ये स्टिकर है, इसको निकालने के बाद ये रिप्लेस नहीं होगा। ओके, इसको स्टिकर के निकाल के पहले अपना सेटअप बराबर सेट करो, कैसे था कैसे नहीं, ये देख सकते हो आप। चिपका ऊपर वाला ही निकालना है, नीचे वाला नहीं निकालना है, पूरा निकाल रहा है तो आधा ही भाग निकालना होता है उसका। हाँ, अब सही है, कैसे लगाना है सब। पहले कनेक्टर लगा ले डायरेक्ट, हाँ, बाद में उसकी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अगर आप पहले से कनेक्टर लगा लोगे तो आपको बड़ी आसानी होगी कनेक्टर लगाने में। ये वीवो का Y55 मोबाइल है, या आप Y55 भी मान सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने चार्जिंग सॉकेट को फिक्स कर दिया है और बेल्ट को भी फिक्स करने जा रहे हैं, एंटीना नेटवर्क वगैरह। ये लब लगाने में आसानी इसलिए होती है, अगर आपको अनुभव है तो आप अच्छे से उसको फिटिंग कर पाओगे, अगर अनुभव नहीं है तो बेल्ट बैंड हो जाएगा। और उसको निकालने के बाद डायरेक्ट पहले कनेक्टर पे लगाना है, उसके बाद सब सेटिंग करना है।
उसको बीच में से उठा लो और डायरेक्ट करंटर पे लगा दो। करंटर में लॉक में जब तक नहीं बैठे तब तक प्रेशर मत देना। जब लॉक में बैठेगा तभी लगाना है उसको, लॉक में अगर नहीं बैठता है तो नहीं लगाना है। अब बताया गया उस हिसाब से काम कीजिए तो आपका काम सफल रहेगा। आप देख सकते हो एकदम कंपनी जैसा फिनिशिंग लाते हुए, बहुत ही बढ़िया। अब इसको फिटिंग करना है, एंटीना नेटवर्क का वायर वगैरह लगाना है, बस ज़्यादा बेंड नहीं करना है। ऊपर से बैटरी रख दो, एंटीना का वायर अच्छे से लगाना है। अगर वायर नहीं लगाओगे तो अगर भूल जाते हो तो नेटवर्क नहीं आएगा, कस्टमर बोलेगा भैया चार्जिंग बनाने दिया, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया है। कोई भी काम करो स्टेप बाय स्टेप करो, अच्छे से काम करो, वो चिपकाने वाला रहने देना था तभी तो बैटरी सही से बैठती, बैटरी बार बार उड़ जाएगी। अब एंटीना नेटवर्क लगाया, चलो नीचे का भाग फिटिंग करो अच्छे से नट बोल्ट लगा के। नीचे दो नट लगाने हैं, ऊपर भी एक नट लगाना है। यहाँ दो नट इसलिए लगाने हैं, इसको अच्छे से सेटिंग करना है प्रॉपर। ऐसा नहीं, वाइब्रेटर लगना चाहिए अंदर तभी वो खाचे बैठेगा। वाइब्रेटर नहीं घुसेगा तब तक वो लगेगा ही। डिस्प्ले को नहीं दबाना है नीचे से, वाइब्रेटर जब तक सेटिंग नहीं होगा तब तक वो नहीं लगेगा। आप देख सकते हो नीचे का पूरा पैक हो गया है, नट लगाना बाकी है, ऊपर का बेल्ट फिटिंग हो रहा है, प्रॉपरली फिटिंग हो चुका है। बहुत छोटे छोटे नट आते हैं जो इसमें लगाने होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो हमने प्रॉपरली बेल्ट फिटिंग कर दिया है और यहाँ नट लगाया, ऑन ऑफ यहाँ डायरेक्ट किया है और ये मोबाइल ऑन होने जा रहा है। और देख सकते हो आप हमारा काम एकदम परफेक्ट है। चार्ज में लगा के दिखाइए एक बार, दिखाइए ऐसे। जैसे कि आप जानते हो चुका है